काटस्कर एक्लेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बच्चों को कराटे सिखाने और उन्हें प्रेरित करने का काम इंटरनेशनल इंडो रायो कराटे डो फेडरेशन के अध्यक्ष एनुल शेख और उनकी टीम करते आ रही है। हाल ही में हुए 13th ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप टूर्नामेंट में भाग लिए इस सोसाइटी के सभी बच्चों ने मेडल अपने नाम किया, जिसको लेकर उनके माता पिता काफ़ी उत्साहित और खुश नजर आए और सभी ने ट्रेनर ओंकार जादव का शुक्रिया अदा किया कि उनकी मेहनत की वजह से ही उनके बच्चे ये मेडल जीत पाए। नमस्कार, सबसे पहले दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम ओंकार जादव है, सेंसेई ओंकार जादव। मैं एक 4th डैन ब्लैक बेल्ट हूँ। पिछले 20 सालों से मैं सीख रहा हूँ कराटे, जो कि मार्शल आर्ट है कराटे, और एक पिछले 9 सालों से मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा जो बच्चों का कुछ प्रैक्टिस वगैरह है, ये हमारे चैंपियनशिप में बच्चे गए थे, सारे के सारे बच्चे गए थे और सारे बच्चों को मेडल्स आया हुआ है। इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है बच्चों की, और आप जब यहाँ जा सकते कितने लगभग कितने बच्चे? जी अभी तो ये कैसा, ये सोसाइटी है तो सोसाइटी में कैसे है, एक पर्सनल सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो आते हैं, लेकिन हमारा कैसा है, जो हमारा जो फेडरेशन है इंटरनेशनल इंडोरियो कराटे डो फेडरेशन, ये पूरा ऑल ओवर मुंबई छोटे से छोटे जगह पे जाके, छोटे से छोटे सोसाइटी हो, रेसिडेंशियल एरिया हो, स्कूल हो, एनजीओ हो, क्लब्स हो, कहीं पे भी जाके हम अपनी सर्विस देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। जस्ट हमारा एक इच्छा होता है, हमारे मन में एक जो भी बच्चों को जो सीखना है वो हमारे मन में होता है कि अगर बच्चे सीख रहे हैं या बच्चों के सीखने की इच्छा है तो हमें उन पर सिखाने की इच्छा है। तो जो भी देखेंगे, हमारे जितने भी कोचेस हैं, हेड कोच है, जूनियर कोचेस हैं, जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, सारे उनके जगह पे जाके सिखाते हैं। सो उसमें से ये एक सोसाइटी है, पाटस्कर एकलेट, थाने वेस्ट में गोड़बंदर रोड पर सोसाइटी है। यहाँ पर कम से कम 12 बच्चे हैं, उसमें से अभी एक 10 बच्चे यहाँ पर आए हैं, और जो भी है, जो भी चैंपियनशिप में आए थे वो बच्चे गए थे। तो उनको कैसा है, अभी ये इसमें से बहुत सारे जन, मीन्स लगभग 8 से 9 जन पहली बार इतने बड़े नेशनल लेवल चैंपियनशिप में वो गए थे, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेडल लाना मतलब उनके लिए ही बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए और बड़ी बात है। इसके लिए बात करें आपके स्टूडेंट्स किस तरीके के जी, सबसे पहले तो एज अ कोच या जो भी टीचर हैं, हमें तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जो हमने उन पर पीछे मेहनत ली है, कि एक दो दिन की मेहनत नहीं है, बहुत ही महीनों की मेहनत है, कभी कभी साल की भी मेहनत लगती है, तो वो साल की मेहनत उनके वो एक राउंड में जज की जाती है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है मतलब उनके गुरु ने या उनके कोच ने उनको बहुत अच्छी तरह से सिखाया हुआ है। अगर बच्चा परफॉर्म नहीं करता है फिर चाहे वो बच्चों की गलती हो, फिर भी वो नाम या इल्ज़ाम गुरु पे आ जाता है। तो ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु का काम है कि बच्चों को सिर्फ एक सिखाए नहीं कि उनको अच्छी तरह से घड़ाए, एक उनको लाइफ में खड़ा करे। ये हमारा एक मोटिव है और बच्चों के पीछे हमारा यही मेहनत है, इतने सालों से मैं यही एक रूल के या प्रिंसिपल पर फॉलो करते हुए आया हूँ। बात करें और पेरेंट्स की, जो तो नहीं सिखाते अपने बच्चों को कराटे या और चीज़ें या खेल के माइंड में से एक चीज़ होती है कि पढ़ाई। जी 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 जी, सबसे पहले तो मैं पढ़ाई पे कभी कोई एक जो भी कोच होगा पढ़ाई पे कभी पीछे बैक नेगेटिव नहीं बोलेगा, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, कोई भी चीज़ हो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ खेलकूद भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो अपनी बुद्धि को, अपने मेंटल को, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत बनाता है, लेकिन उसी के साथ फिज़िकली भी स्ट्रांग रहना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली जो अपने तन से सुरक्षित रहेंगे, तन से मजबूत रहेंगे, तो अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से भी मजबूत रहेंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ चेस का। चेस को अगर आप हिंदी में देखोगे तो उसका नाम है मराठी में या हिंदी में जो भी उसका नाम है शतरंज, या फिर मराठी में हमें कहते हैं बुद्धि बल, मतलब सिर्फ बुद्धि नहीं लगती है उसमें बल भी लगता है। तो जो हिंदुस्तान का ये गेम है शतरंज, और जिसे कहते हैं बुद्धि बल, तो उसमें बुद्धि और बल दोनों आता है। सो हम सारे बच्चों से यही गुजारिश है और सारे पेरेंट्स से जितने भी जो ये देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को एक सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, उनके साथ उनका फिजिकल ग्रोथ भी देखिए, फिर चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कराटे हो या कोई भी खेलने वाला कोई भी चीज़ हो, उनको उन पर सपोर्ट कीजिए, उनके पीछे खड़े रहिए। जिसको भी अगर ज्वाइन करना है, नॉट ओनली ये सोसाइटी का है, हमारे जो इंटरनेशनल इंडोरियो कराटे डो फेडरेशन है, जिनके ग्रैंड मास्टर है हंशी ऐनुल हसन शेख,
के जो एक 8-dan ब्लैक बेल्ट है ऑल ओवर इंडिया का, और ये जो हमारा फेडरेशन है वो इंटरनेशनल इंडोर योगा जो भी है ये नाम से वो भारत के नाम से रखा गया है। मतलब ये जो कला है हमारी भारतीय है, भारतीय कला हम अपने भारतीय दर्शकों को या भारतीय लोगों पे फैलाना चाहते हैं। तो जिसे भी अगर आप जोड़ी सी भी इच्छा है या कुछ भी शंका है और सीखना चाहते हैं लेकिन कैसे सीखें वो पता नहीं है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 8879347040। ठीक है, मेरा नाम सेंसाय ओंकार जाधव है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम आर्यस मदर अक्षया निगुड़कर। And for me, the main intention for making her join karate class was self-defense, as others also said. But then later on, her interest showed, I mean, she got interest in karate. So now it's like a very hectic schedule for us. But then still she wants to come to karate class. She doesn't want to miss the karate class. So the schedule is like, she also start at around 8 o'clock in the morning. And then she goes to school and then she comes from school and go to daycare. So at 7 o'clock, I pick her up and 7 o'clock is the class here. So at 7 o'clock still she is always ready to go. She is so tired, she is so exhausted, but she doesn't want to miss karate class. And then I have seen improvement in her, like food habits. Okay, I mean food habits are not changed, but then she has improved in her health. So I can see the difference. She has become she has got power, she has got strength. So that is main thing. Plus, I mean, now she is encouraged to go for other medals also. Like she got bronze medal, which I was not expecting at all that she will get. But then she got bronze medal and I'm hoping that she will get other medals also. And then she will be able to deal with, self-defense and all. So that is it. And all the best to all. And then I would like to thanks all karate teachers, meet sir and all. They cooperate with us. We come at 7:15, still they take her in, and that is kind of big deal for us to make it to the karate class. So it's thankful for us. So thank you all. I am Anuja Patankar and my daughter Durga Patankar. Actually, we all are residents of Pataskari Clat, Godbandar Road. So basic intention of my daughter taking admission from me, my side, that I just wanted to get involved in some activities, first of all. Nowadays, self-defense is a basic concept that is very, very important. And for a girl child, it is very important, that as you are all aware. So I took admission basically for that. But slowly and gradually, I observed some changes in my daughter. Behavior, like she was very even fond of all junk food and all, but after that she started running and all exercise, and she told me that she started telling me, no, I don't want noodles now, I don't want pizza. My sir tells that diet food is important for health and all. She gradually and slowly she started changing all this, and I'm very happy. Yesterday, the day before yesterday, that particular event was organized regarding medals and all, and I'm very happy about it. And all the children got good medals. They perform very well. Even I was not aware of my daughter's skills also. When I saw in the particular test that she was doing very nice, she fought very well. Means as a mother, I'm a proud mother, and I'm very happy and I'm very thankful to all the trainers. And I would like to give them thanks and congratulations for their future journey. Thank you. Sheetal Adhyapak. Maji Mulgi Swarala Adhyapak. आम्ही इथे पाटस्कर इक्लॅटमध्ये राहतो. आमच्या इथे जवळजवळ वर्षभरापासून कराटेचं क्लासेस सुरू झाले आहेत आणि खूप छान इथे शिकवलं जातं. जरी स्ट्रिक्ट असेल तरी मुलं खूप हुशार आनंदाने येतात, त्यांना आवडतं यायला, त्यांना क्लास मिस करायचा नसतो. आणि नियमाने शिकवतासुद्धा म्हणजे मुलं एन्जॉय करतात. ज्या पद्धतीने चालतं इथे क्लास तो नक्कीच आम्हाला आवडतो. मुलांना कधी मिस करायची इच्छा नसते. त्याच्यात आता कॉम्पिटिशन झाली रविवारी, स्वाभिमान भारत चॅम्पियनशिप होती. त्यामध्ये सगळ्या मुलांनी आमच्या इथल्या पार्टिसिपेट केलं आणि सगळ्यांना मला आनंद होतो की सगळ्यांना छान मेडल्स मिळाली. कोणाला गोल्ड, दोन गोल्ड मिळालेच, दोन सिल्वर आहेत, सिल्वर ब्रॉन्झ, असे सगळ्यांना प्रत्येकाला पार्टिसिपेशनला त्यांनी दिलं आहे. तो एक प्रोत्साहन सगळ्यांना होतं. सुरुवातीला थोडीशी भीती होती, काही मुलं घाबरत पण होती, पण आता आम्हालाही कॉन्फिडन्स आला. ॲक्च्युली आम्हीसुद्धा थोडे घाबरत होतो सुरुवातीला. चॅम्पियनशिप म्हणजे लहान आहेत मुलं, थोडीशी नाजूक किंवा असं असतं काही वेळेला की थोडीशी भीती असते आमच्याही मनात की कुठे किक लागली, काही दुखलं.
तर त्या पण ह्या जेव्हा कॉम्पिटिशनला आम्ही गेलो तिथे ज्या पद्धतीने जजिंग पण चाललं होतं आणि ज्या पद्धतीने कंडक्ट झाली ती कॉम्पिटिशन आम्हाला आवडलं खूप. मुलं पण आमची खुश आहेत आणि आता असं वाटतं की पुढच्या वेळेला त्यांना आता असं वाटतं आहे की आता ह्यावेळेला गोल्ड सिल्वर मिळालं पुढच्या वेळेला गोल्ड मिळालं पाहिजे. मग चॅम्पियनशिपला कोण जाईल ह्या सगळ्यासाठी त्यांचं आता स्वतःपासमध्ये त्यांना प्रेरणा निर्माण होतील. तर एक चांगला आहे आमच्या शिक्षक आहेत जे दोघे मीत सर आहेत ओंकार सर आहेत जॉयस मॅडम आहेत त्या येऊन खूप छान शिकवतात. रेग्युलर त्यांचं कोचिंग असतं मध्ये मध्ये थोडेसे डोस पण असतात की जे आवश्यक आहेत त्या सगळ्यामुळे एक छान हेल्दी वातावरण आहे. मुलं आनंदी आहेत आणि आजच्या काळात जेव्हा आपण बघतो की मोबाईल आणि ह्या सगळ्यामध्ये मुलं एनग्रॉस असतात आणि त्यांना लक्ष खेळाकडे त्यांचं दुर्लक्ष होतं आहे असं होत असताना हे कराटे इथे आमच्या इथे बिल्डिंगमध्ये येऊन शिकवल्यामुळे एक चांगल्या प्रकारचं त्यांची हेल्थ आरोग्य पण मुलांचं चांगलं राहतं आहे आणि त्यामुळे धन्यवाद. आणि असंच चालू राहू दे कंटिन्यू. आम्हाला मार्गदर्शन आमची इच्छा आहे की आमच्या मुलांनी ब्लॅक बेल्ट मिळवावा आणि वेगवेगळ्या चॅम्पियनशिपमध्ये त्यांनी असंच पुढाकार घेऊन सामील व्हावं. पहिले मैं मेरा इंट्रोड्यूशन दूंगी की माय नेम इज वैभवी दमानिया और मेरी बेटी का नाम है जिया दमानिया. इनिशियली हमको अभी आजकल के अगर वातावरण को देखें तो लड़कियाँ सेफ नहीं है इसमें तो हमारा सबका एक्चुअली सारे पेरेंट्स का यही एक सोच थी कि हम अपने बच्चों को कुछ एक फिज़िकली फिट रखें और एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस करना सीखे. तो हमें इनिशियली तो ऐसा नहीं था कि उनको ब्लैक बेल्ट में ही जाना है या वही करवाना है. एक सेल्फ डिफेंस सीख जाए उतना ही बस है. वो हिसाब से हमने ओंकार सर से कॉन्टेक्ट किया. उन्होंने यहाँ आए सब मम्मियों का परमिशन सोसाइटी का परमिशन लेके कुछ एक स्टेप आगे लिया. सबका पार्टिसिपेशन देख के सर को सबको बहुत अच्छा लगा और हम सबको भी खुशी हुई जो जैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं. लाइक इनिशियली तो हमें लग रहा था कि बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे बट सर का पार्टिसिपेशन और उन लोगों का बिहेवियर बच्चों के प्रति सिखाने का तरीका वो सब देख के अभी बच्चे सामने से बोलते हैं मतलब दे वेट फॉर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कि हमारा क्लास कब शुरू होगा. तो वो हिसाब से हमने स्टार्ट करवाया कि एटलीस्ट फ्यूचर में वो लोग सेल्फ डिफेंस अपना डिफेंस कर सकें. मेन उसके लिए ही हमने स्टार्ट किया था बट ग्रेजुअली ये चैम्पियनशिप फिर कैंप और वो सब देख देख के उन्हें और उसमें इंटरेस्ट आने लगा. तो हम सब माएँ बहुत ही खुश हैं और इन सब का देख के हमने हमारे कॉमन बिल्डिंग में भी एक छोटा सा वीडियो डाला बना के तो दूसरे बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं. मे बी एडमिशन होंगे थोड़े ही टाइम में नए तो मतलब दूसरों को भी वो लोग मोटिवेट करते हैं हमारे बच्चे और सर सब मिलके कि हमें आगे इस फील्ड में आगे जाना ही चाहिए. और बोलते हैं ना कि लड़कियों को बराबर से सबके साथ फाइट करना आना चाहिए. सो बस उसी के लिए हमारा ये एक कदम है जो आगे बढ़ेगा.